बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम काम करने वाले हैं वो IPYNB फाइल्स को हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से वो काम करती हैं इनसाइड पाइथन। और पाइथन को समझने के लिए आपको IPYNB का ज़्यादा सहारा लेना पड़ता है। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ अ लॉट ऑफ डेटा एनालिटिक्स के जो लोग हैं या डेटा एनालिसिस करने वाले लोग हैं या डेटा एनालिस्ट हैं, जब वो पाइथन पे काम करते हैं तो वो जुपिटर नोटबुक यानी कि IPYNB फाइल यानी कि नोटबुक की फाइल के ऊपर काम करते हैं। और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म पे भी चलती है, इस वजह से इस फाइल को हम ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। स्क्रीन में आपके साथ शेयर करता हूँ, देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये वाली जो फाइल्स हैं हमारे पास जो है वो काम करती हैं। एंड IPYNB फाइल होती क्या और किस तरीके से हम इस पर काम करते हैं, ये हमारे पास बेसिकली हमने जो लास्ट टाइम काम किया था, हमने बेसिक्स ऑफ पाइथन और उसके बाद एक दूसरा फोल्डर हमने वेरिएबल्स का बनाया था, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल्स को हम समझते हैं, बट उससे पहले मैं आपको IPYNB फाइल्स के बारे में बता दूँ। सो वेरिएबल्स के फोल्डर के अंदर जो हमने लास्ट टाइम इस तरीके से अपनी फोल्डर स्ट्रक्चर बनाई थी, इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस फाइल का नाम रख देता हूँ data.IPYNB। तो अगर आप गौर करें, इस IPY का मतलब है IPython, NB का मतलब है नोटबुक। तो इस तरीके से IPYNB फाइल जो है हमारे पास चलती है, और ये जुपिटर नोटबुक की फाइल इसे बोला जाता है, नोटबुक या जुपिटर नोटबुक की फाइल, ठीक है। मैं जैसे इसको इस तरीके से यहाँ पे रन करता हूँ, अब ये मेरे पास ये फाइल बन जाएगी। और इस फाइल में और पाइथन की सिंपल फाइल में यही फ़र्क है। अगर आप पाइथन की सिंपल फाइल देखें जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी, ये वाली वो फाइल है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है जहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम IPYNB फाइल देखें तो यहाँ पे हम अपना कोड भी लिख सकते हैं और साथ में यहाँ पे डिफरेंट किस्म की अदर लैंग्वेजेस को भी यूज़ करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास पाइथन है और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो कर्नल्स हैं वो आ रहे हैं। और IPYNB के लिए आपको एक काम करना पड़ता होता है, जो भी आप फाइल बनाएं उसका यहाँ से कर्नल सेलेक्ट करना पड़ता है। ये कर्नल के चावल नहीं है बाय द वे, ये कर्नल होता है। कर्नल का मतलब ये है कि जो इस कोड के अंदर किस लैंग्वेज के साथ आप इस कोड को रन करेंगे। तो यहाँ पे चंक ऑफ कोड आप लिखेंगे कोई भी, जैसे हमने लास्ट टाइम ये दो कोड लिखे थे, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये मेरे पास दो कोड आ गए, ठीक है। अब ये दोनों कोड जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये दोनों कोड हम पाइथन में रन कर रहे थे लास्ट टाइम, तो हम यहाँ पे प्रेस करते थे रन पाइथन और वो ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके से हमारे पास ये कोड चल पड़ते थे और वो हमें अपना आंसर तो था वो दे देते थे। से फॉर एग्जांपल यहां पे बैश के अंदर हमने इस कोड को रन किया था, या पाइथन के अंदर अगर कोड को रन करें। अब यहां पे अगर हम देखें IPYNB के अंदर, आपको ये प्लस ये प्ले का बटन दबाना पड़ता है और ये कोड यहीं पे चल जाते हैं। मैं इसको दबाता हूं, जैसे मैंने इसको दबाया वो पूछ रहा है कि किस पाइथन के वर्जन के साथ आपने रन करना है। मैं पाइथन पे जाता हूँ, पाइथन एनवायरनमेंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो हमारे पास एनवायरनमेंट बेस बना हुआ है या पाइथन बेसिक्स का जो एनवायरनमेंट, इनमें से कोई चूज़ करूँगा। मैं पाइथन बेसिक्स को चूज़ करता हूँ एंड इट विल कनेक्ट दैट एनवायरनमेंट। और ये मुझसे पूछेगा कि भाई ठीक है, जुपिटर नोटबुक को चलाने के लिए आपको बेसिकली IPY कर्नल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये एक पैकेज है, IPY कर्नल पैकेज। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर दें, ये इसको अब इंस्टॉल करेगा। इट विल टेक सम टाइम, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो रहा है। अब यहाँ पे बॉटम राइट साइड पे देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो रहा है। और यूजुअली ये इंस्टॉलेशन का टाइम जो है वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कितना स्पीडी है और आपके पास जो PC है वो कितना स्पीडी है। एक तरीकाकार ये होता है, आप IPY कर्नल को जिस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है यहाँ पे, वरना ये वाला जो कर्नल है ये यहाँ पे नहीं चलता। अच्छा, ये तो हो गया जनाब जुपिटर नोटबुक को चलाने का तरीका, या इसको IPYNB फाइल को हम जुपिटर नोटबुक्स भी बोलते हैं, ठीक है, जुपिटर नोटबुक्स। ये क्यों ज़रूरी है समझना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जुपिटर नोटबुक की बात करें तो ये बेसिकली एक पैकेज हुआ करता था समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे आप जाके जुपिटर नोटबुक्स अपनी रन करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, VS कोड के अंदर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जुपिटर नोटबुक्स जो हैं वो चलती हैं। एक और चीज़, गूगल कोलैब के नाम से एक चीज़ है, अगर आप इस पे जाएं गूगल कोलैब के ऊपर, तो आपकी जीमेल की आईडी के थ्रू ये ऑटोमेटिकली आपको जुपिटर नोटबुक्स की तरफ ले जाता है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे न्यू नोटबुक या वेलकम टू कोलैब पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास इस तरीके से नोटबुक ये चल पड़ी है और यहाँ पे जुपिटर नोटबुक के अंदर डिफरेंट किस्म के कोड्स एटसेट्रा एटसेट्रा लिखे हुए हैं,
यहाँ पे मैं क्लिक करके न्यू भी बना सकता हूँ, ओपन नोटबुक भी कर सकता हूँ, अपलोड भी कर सकता हूँ, मैं न्यू बनाता हूँ। तो ये मेरे पास गूगल ने मुझे ऑटोमेटिकली पाइथन को चलाने का ये एक तरीका बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो ये वही जुपिटर नोटबुक है जो मैं अपने वीएस कोड में चला रहा हूँ, और ये गूगल कोलैब में भी चल सकती है। जैसे आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो जुपिटर है नोटबुक वो इंस्टॉल हो चुका है, आई पी वाई कर्नल आपके पास ये आ जाएगा। मैं इसको नो थैंक्स करता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे ये मैं कोड रन करूंगा, नीचे फौरन इसकी आउटपुट आएगी। मैं यहाँ पे कोड पे क्लिक करूंगा, आप नया कोड लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे ये मेरे पास आ जाएगा। सो दिस इज हाउ योर कोड फाइल वर्क्स, ठीक है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगर मैं होवर करता हूँ तो ये कोड आ रहा है, मार्कडाउन आ रहा है, सेम यहाँ पे कोड आ रहा है, मार्कडाउन आ रहा है, सेम यहाँ पे कोड आ रहा है, मार्कडाउन आ रहा है, ठीक है। सो मैं मार्कडाउन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी जो भी यहाँ पे लिखूंगा वो टेक्स्ट की फॉर्म में आएगा और वो मार्कडाउन कर्नल के थ्रू चलेगा, ठीक है, सेल लैंग्वेज के थ्रू। यानी कि मैं अगर एक स्टेरिक लगाता हूँ तो ये मुझे कहेगा फर्स्ट नोट बुक। अब मैं यहाँ से अगर आप गौर करें, मैं नीचे आता हूं तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं ये टिक मार्क पे क्लिक करूंगा इट विल बिकम अ हेडिंग। मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, एडिट मोड में चला जाऊंगा, कंट्रोल बी करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा। एंड नाउ यू सी समथिंग इज गोइंग ऑन विद दिस सेल। अब यहाँ पे आपसे मैं एक गुजारिश करता हूँ कि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप यहाँ पे लिखें मार्क डाउन 72 मिनट्स कोडेनिक्स, और जाके इस वीडियो को जरूर देखें, ये जो 72 मिनट के अंदर मार्कडाउन आपको सिखाई हुई है। मार्कडाउन एक प्रॉपर लैंग्वेज है जिसको आप यूज करके अपने कोड्स को और भी अच्छा बना सकते हैं, गिविंग सम हेडिंग्स एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपकी जुपिटर नोटबुक चलती है, और इस तरीके से आपकी नोटबुक जो है वो वीएस कोड के अंदर बनती है, और पाइथन का आई पी वाई कर्नल आप इस तरीके से चूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पाइथन का कोई और वर्जन करना है चूज, तो आप अनदर कर्नल पर क्लिक करके पाइथन एनवायरमेंट में जितने आपने एनवायरमेंट बनाए वहां से कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन हम पाइथन बेसिक्स के साथ ही आगे मूव करेंगे। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, एंड आई एम होपफुल कि यहाँ तक क्लियर होने के बाद अभी आप जो 72 मिनट की मैंने मार्कडाउन की आपको वीडियो बोला है उसे जरूर देखेंगे और मार्कडाउन को मास्टर करेंगे, बिकॉज दैट इज नीडेड अलॉट। और अगर आप उसको जाके एक दफा मास्टर कर लें मार्कडाउन को, एक 72 मिनट्स के अंदर अगर आप मास्टर कर लेते हैं, देन यू कैन यूज दैट दो स्किल्स टू ऑप्टिमाइज योर नोटबुक्स।